हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं फंजाई से। तो फंजाई क्या होता है? यूकेरियोटिक स्पोर बियरिंग यूकेरियोटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रान से ढका होता है। स्पोर बियरिंग जो स्पोर बनाता है, ए क्लोरोफिलस जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, हेटरोट्रॉफिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित रहता है। दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और हेटरोट्रॉफिक जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जो रिप्रोड्यूज होते हैं सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, जिनमें फिलामेंटस ब्रांच सोमेटिक स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो ढकी होगी काइटिन या सेलुलोज या दोनों प्रकार के बने सेल वॉल से, जिसका इंजेशन फूड इंजेशन जो मेथड है एब्जॉर्प्टिव टाइप का होगा। एब्जॉर्प्टिव टाइप का मतलब ये या तो वो फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस का मेथड यूज करेगा। तो फंजाई क्या हुआ? फंजाई आर यूकेरियोटिक स्पोर बियरिंग ए क्लोरोफिलस हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूज सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली हैविंग फिलामेंटस ब्रांच्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाई काइटिनस आर सेलुलोज और बोथ टाइप ऑफ सेल वॉल हैविंग आर एग्जिबिट अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिएशन। दूसरा समझें कि थैलस क्या होता है। थैलस को सोमा भी कहते हैं और सोमा मतलब होता है बॉडी। थैलस का प्लूरल फॉर्म थैलाई होता है। ये वेजिटेटिव या फंगल बॉडी होती है, सिंपल होते हैं और ए क्लोरोफिलस या ये कह सकते हो इंटायर बॉडी डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल। इसमें रूट स्टेम और लीव्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है और वास्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। मतलब थैलस आर वेजिटेटिव आर फंगल बॉडी सिंपल ए क्लोरोफिलस हैव नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट्स स्टेम एंड लीव्स एंड लैकिंग वास्कुलर सिस्टम। हाइफा, हाइफा मतलब होता है वेब। हाइफा का प्लूरल फॉर्म होता है हाइफी। ये थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर फिलामेंट होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म से भरे हुए होते हैं और हाइफा थैलस की यूनिट होता है या थैलस से मिलकर हाइफा बनता है, एक बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं थैलस। मतलब क्या हुआ? हाइफा आर थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर फिलामेंट फिल्ड विद प्रोटोप्लाज्म एंड यूनिट ऑफ फिलामेंटस थैलस। अगला माइसीलियम। माइसीलियम का प्लूरल फॉर्म होता है माइसीलिया। माइसीलियम नेटवर्क या एग्रीगेशन होता है हाइफा का। ये हाइलाइन और कलर्ड दोनों प्रकार का हो सकता है और ये इक्टोफाइटिक और इंडोफाइटिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। मतलब माइसीलियम और एग्रीगेशन और नेटवर्क ऑफ हाइफा मे बी हेलाइन आर कलर्ड सर्वाइव एज इक्टोफिटिक एंड इंडोफिटिक कंडीशन। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ थैलस।
तो पहला जो थैलस का टाइप्स है वो होता है प्लाज्मोडियम। नेक्ड मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म मूविंग एंड फीडिंग इन अमीबॉइड फैशन, ये आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियोफोरा ब्रैसिकी। तो प्लाज्मोडियम क्या हुआ? प्लाज्मोडियम थैलाई आर नेक्ड मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म मूविंग एंड फीडिंग इन अमीबॉइड फैशन। अब दूसरा थैलस समझते हैं, यूनि सेलुलर। यूनि सेलुलर थैलस में सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, ये आपको देखने को मिलेगा सिनकाइट्रियम या काइट्रिड्स में। अगला थैलस समझते हैं मल्टी सेलुलर, या इसको फिलामेंटस भी कहते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ फंजाई होते हैं उसमें फिलामेंटस टाइप का थैलस पाया जाता है। ब्रांच्ड थ्रेड लाइक फिलामेंट जिसको हम हाइफा बोलते हैं उससे बनता है मल्टी सेलुलर या फिलामेंटस थैलाई। ये आपको अल्टरनेरिया में, जो अल्टरनेरिया जीनस है उसमें देखने को मिलेगा। मल्टी सेलुलर या फिलामेंटस थैलाई क्या हुआ? ब्रांच्ड थ्रेड लाइक फिलामेंट्स विच मेड फिलामेंटस आर मल्टी सेलुलर थैलाई। अब समझते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में पहला जो है उसको बोलते हैं होलो कार्पिक। होलो मतलब होता है होल कंप्लीट, कार्पस मीन होता है फ्रूट। ऐसा थैलस जो पूरी तरीके से एक या एक से अधिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है उसको बोलते हैं होलो कार्पिक। होलो कार्पिक आर दोज थैलस इंटायरली कन्वर्टेड इंटू वन आर मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये आपको देखने को मिलेगा सिनकाइट्रियम में। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है यू कार्पिक। यू मतलब होता है गुड, जैसे आपने यू कैरियाटिक और प्रो कैरियाटिक में यू कैरियाटिक सुना होगा। यू मतलब होता है गुड और कैरियन मीन होता है न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रान से ढका हो। तो यहाँ पर यू का मतलब हो गया गुड, कार्पस मतलब हो गया फ्रूट। ऐसा थैलस जो दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है, पहला पार्ट जो काम करता है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का और दूसरा जो पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। तो थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू ए वेजिटेटिव पार्ट विच अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड ए रिप्रोडक्टिव पार्ट विच फॉर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये आपको मिलेगा पाइथियम जीनस में देखने को। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इक्टोफाइटिक। तो इक्टोफिटिक क्या होता है? इक्टो मतलब होता है बाहरी, फाइटॉन मीन होता है प्लांट। तो प्लांट सरफेस पे जो होस्ट प्लांट है उस पे जो थैलस प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे इक्टोफिटिक थैलस, ये आपको देखने को मिलेगा ओडियम जीनस में। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इंडोफिटिक। इंडो मतलब अंदर, फाइटान मीन प्लांट। तो पेनिट्रेट इनटू होस्ट सेल या प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट सेल वो होता है इंडोफिटिक, ये आपको मिलेगा पक्सिनिया जो जीनस है उसमें देखने को। ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है इंटरसेलुलर, दूसरा होता है इंट्रासेलुलर और तीसरा होता है वास्कुलर। इंटरसेलुलर में हाइफा जो सेल होता है उसके जो दो सेल्स, ये सेल एक हो गई और ये एक सेल, इसके बीच में हाइफा ग्रो करेगा, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर, ये आपको देखने को मिलेगा इराइसिफी जीनस में। इंट्रासेलुलर में क्या होता है? हाइफा जो है होस्ट
होस्ट का जो सेल है उसको पेनिट्रेट करेगा और वहीं से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा, ये देखने को मिलेगा आपको अस्टलेगो में। तीसरा जो टाइप है वो है वास्कुलर, ये पेनिट्रेट करता है जाइलम वेसल्स को और ये आपको देखने को मिलेगा फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरम में। जो इंटरसेलुलर कंडीशन है इंडोफिटिक में, इसमें एक स्पेशल काइंड के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको एप्रोसोरियम और हास्टोरिया भी कहते हैं। तो यहाँ जो हास्टोरिया है वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने का काम करता है, जबकि इंट्रासेलुलर जो होता है उसमें डायरेक्ट न्यूट्रिएंट जो है वो होस्ट सेल से अब्जॉर्ब किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये प्रिंसिपल का आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, हम इसके आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।